जी हाँ, आज जेल हुई, कल बेल हुई, फिर से वो ही खेल हुई। ये गाना डीजे पर इसीलिए बज रहा है क्योंकि फूल मालाओं से लदे महाशय कुछ ऐसा ही कारनामा करने में माहिर हैं। ये लंबा काफिला और गाजे बाजे के साथ निकला जुलूस फूल वाला पहले दुष्कर्म मामले के आरोपी की शान में निकला है। आरोपी पूर्व प्रधान है और रंगबाज है। रंगबाज प्रधान दुष्कर्म मामले में जेल गया था, लेकिन दुष्कर्म आरोपी बेल पर जेल से बाहर आया तो उसने डीजे पर गाना बजवा कर पीड़ित महिला को फिर से वही खेल करने की चुनौती दे डाली। पूर्व प्रधान भले ही दुष्कर्म के आरोप में जेल में था, लेकिन जेल से बाहर आने पर उसका स्वागत इस तरीके से हो रहा है मानो वो कोई बड़ी जंग में फतेह हासिल कर आया हो। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के सोनभद्र जिले का है, जहां घोरावल थाना इलाके में रहने वाली एक आदिवासी महिला के साथ पूर्व प्रधान रमेश यादव उर्फ मुंशी यादव ने 2021 में बलात्कार किया था। महिला जब दुष्कर्म का मामला लिखाने थाने पहुंची तो उसका मुकदमा नहीं लिखा गया, जिसके बाद उसने कोर्ट का सहारा लिया और मुंशी यादव पर दुष्कर्म मामले में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन बीती 13 मई को जब मुंशी यादव को बेल मिली और वो जेल से बाहर निकला तो उसने गदर काट दिया। जेल के बाहर 20 गाड़ियों का काफिला निकाला और डीजे बजवाते हुए गांव पहुंचा। मुंशी यादव डीजे पर एक ही गाना बजवा रहा था, आज जेल हुए, कल बेल हुए और परसों वो ही खेल हुए। इस जुलूस के बाद दुष्कर्म पीड़िता ने फिर से पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि पूर्व प्रधान उसे समझौता करने की धमकी दे रहा है, अगर समझौता नहीं होगा तो वो फिर उसके साथ दुष्कर्म का खेल खेलेगा। क्या नाम है आपका? मुन्नी। क्या बात है, पूरी बात बताइए। बलात्कार हुआ है। क्या हुआ था, पूरी बताइए कि कैसे, फिर मुकदमा दर्ज हुआ था? हाँ साहब, दर्ज हुआ था। तब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? थाने पे गया था, 2-3 बारी रिपोर्ट लगाया था, जल्दी सुने नहीं वहाँ से, तब दर्ज किया है यहाँ कोर्ट से। तो जेल गया था? हाँ जेल गया था। अब क्या समस्या आ रही है? अब जेल से यार 13 तारीख के और हमें गजा बाजा से अब धमकी देता है कि तुम मुकदमा नहीं कर सकबू तो बोटी बोटी काट के फेंक दे। वहीं पीड़िता के वकील ने भी दुष्कर्म के आरोपी पूर्व प्रधान पर पीड़िता को धमकी देने का इल्जाम लगाया है और पूर्व प्रधान की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इनके समस्या आ रही कि प्रधान छूटने के बाद जो है रमेश उर्फ मुंशी यादव जमानत पर छूटने के बाद गांव में गया, गांव में इनको धमकी दिया कि जान से मार के फेंकवा देंगे और तुम्हारे साथ जो घटना पूर्व में किए हैं फिर तुम्हारे साथ वहीं बलात्कार होगा और तुम कहीं ना जाओगी, और इन्होंने धमकाया चमकाया और मारने पीटने की पुनः धमकी दिया। क्या अगले मैंने उसके खिलाफ जो है कि रमेश के खिलाफ हमने न्यायालय में पीड़िता द्वारा अप्लीकेशन दिवाया जान माल की सुरक्षा के लिए कि जान माल की हमारी सुरक्षा की जाए और हमारे साथ कोई घटना न घटे दोबारा। उसने अपने सहयोगियों के साथ 20 गाड़ियों से माइक पर बोलते हुए भद्दी भद्दी गाली देते हुए इनको धमकाया, इनके दरवाजे बजा करके और इनको जान से मारने की धमकी दिया। इस बात को सूचना पुलिस घोरावल पुलिस को नहीं, पुलिस घोरावल को दे दी गई, शहीदों को दे दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।